सकती थी, लेकिन अब जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आ रही है महबूबा मुफ्ती को लेकर। महबूबा मुफ्ती को इस वक्त नजरबंद कर लिया गया है। श्रीनगर में पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती नजरबंद है, ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं। घायल कश्मीरी पंडित के घर जाना चाहती थी महबूबा मुफ्ती, क्योंकि पिछले दिनों आपने देखा था कैसा घटनाक्रम हुआ, और पुलिस ने श्रीनगर में महबूबा मुफ्ती को हाउस अरेस्ट किया है, ये जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। महबूबा मुफ्ती ने ट्विटर अकाउंट से भी इस बाबत जानकारी दी है। फिलहाल खबर बड़ी है, आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये महबूबा मुफ्ती की तरफ से ट्वीट किया गया है, और महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि उन्हें हाउस अरेस्ट किया गया है, नजरबंद किया गया है। जानकारी आपको बड़ी दे रहे हैं और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि महबूबा मुफ्ती कह रही हैं कि जो भी हो रहा है वो बहुत ही खराब इस वक्त हो रहा है, और आखिर क्यों उन्हें नहीं दिए जाने दिया जा रहा है, घायल कश्मीरी पंडित का हालचाल जानने क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है, कश्मीरी पंडित के घर जाने, ये महबूबा मुफ्ती सवाल उठा रही हैं, और महबूबा मुफ्ती सीधे सीधे कटाक्ष भी कर रही हैं। फिलहाल महबूबा मुफ्ती ने अपने ट्विटर अकाउंट से तीखे वार भी किए हैं, और वो ट्विटर अकाउंट से जब वार कर रही थी तो खास तौर पर केंद्र को भी निशाने पर लिया गया। हालांकि उनकी तरफ से जानकारी दी गई है अपने ट्विटर हैंडल की तरफ से कि उन्हें इस वक्त नजरबंद रखा गया है, और क्यों नजरबंद रखा गया है वो तो हम आपको इस वक्त बता ही रहे हैं, ताजी जानकारी आपको दे रहे हैं कि क्या कुछ खबर है। फिलहाल थोड़ी देर में हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं, वो आपको बताने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से महबूबा मुफ्ती अब आगे की रणनीति को बनाएंगी, कि महबूबा मुफ्ती की तरफ से ट्विटर हैंडल पर कि कहा गया है कि उन्हें नजरबंद किया गया है। तजम्मुल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे साथी हैं, तमाम जानकारी आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। तजम्मुल बहुत बहुत शुक्रिया पांच के पंच में अपना समय देने के लिए, आपका आभार। तजम्मुल जानकारी हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से महबूबा मुफ्ती ये कह रही है कि आखिर क्यों कश्मीरी पंडित के घर नहीं जाने दिया जा रहा है, जो पिछले दिनों हमें वाकया देखा उसके बाद राजनीति भी गर्म हो गई, और राजनीति के तहत ही हम देख रहे हैं कि तमाम नेताओं का जाना हो रहा है लेकिन महबूबा मुफ्ती को जाने से रोक दिया गया है, आगे क्या रणनीति महबूबा मुफ्ती की रहेगी? हर्ष, आपको याद होगा जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 के बाद बेशतर वक्त जो बड़े से बड़े लीडरान जम्मू कश्मीर से हैं, या तो उन्होंने डिटेंशन सेंटर्स में गुजारा या उन्होंने हाउस अरेस्ट किए गए। आपको याद होगा कि पीएजीडी की मीटिंग जब बीते महीने में बुलाई गई थी उस वक्त भी डॉक्टर अब्दुल्ला उमर अब्दुल्ला महबूबा मुफ्ती को जो है अपने अपने घरों में बंद रखा गया, लेकिन 4 अगस्त 2019 के बाद अभी तक ये जो इस तरह का प्रोग्राम जो था, हमने मेन स्ट्रीम पार्टियों को अलहदगी पसंद लीडरान के खिलाफ देखा था कि वो कई एक मौकों पर हाउस अरेस्ट हुआ करते थे, जिनमें बहुत सारा वक्त जो है सईद अली शाह गिलानी, मोहम्मद अशरफ सहराई वगैरह ने गुजारा। लेकिन अब चूंकि हालात बदल गए हैं, और हालात बदलने के बाद अब जम्मू कश्मीर में मौजूदा वक्त में जो मरकज और लेफ्टिनेंट गवर्नर की हुक्मरानी इस वक्त चल रही है, उसमें पीडीपी अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर की पहली महिला वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने आज शुपियन जाना था दक्षिणी कश्मीर में, और दक्षिणी कश्मीर में शुपियन जाकर वहां की सूरत हाल कुछ इस तरह से थी कि वहां एक पंडित फैमिली थी और सोनू नाम करके एक नौजवान था जिसको बंदूक बरदारों ने, अनआइडेंटिफाइड गनमैन ने गुज़श्ता हफ्ते जो है गोलियों का निशाना बनाया था। उसके बाद काफी जख्मी हालत में वो श्रीनगर के एसएमएचएस अस्पताल में अभी भी इलाज और मुआवजा उनका चल रहा है, लेकिन महबूबा मुफ्ती उनके घर जाना चाहती थी, उनकी ढारस बंधाना चाहती थी, उनसे हमदर्दी करना चाहती थी, लेकिन जम्मू कश्मीर के प्रशासन ने महबूबा मुफ्ती के इस प्रोग्राम को रद्द किया, कैंसिल किया, और उनके घर के बाहर जो है मोबाइल बंकर्स यानी बख्तरबंद गाड़ियां और जम्मू कश्मीर पुलिस की डिप्लॉयमेंट को बढ़ा दिया। जो ही महबूबा मुफ्ती अपने घर से बाहर आई तो उन्हें बताया गया कि आपको हम इजाजत नहीं देंगे कि आज आप अपने घर से बाहर आ जाएंगे, उसके बाद आप शोपियां या किसी और जगह का रुख कर सकते हैं। जिसके बाद गालिबन इसका मतलब यह हुआ कि महबूबा मुफ्ती को आज अपने ही घर में काफी वक्त गुजारना पड़ा, और नतीजा यह है कि महबूबा मुफ्ती को ट्वीट करना पड़ा, और ट्वीट के दौरान उन्होंने लिखा यह किस तरह का डेमोक्रेसी है, यह किस तरह का माहौल है कि आप एक सियासी लीडर को उस पंडित घराने तक नहीं जाने देते हैं जिनके घर में गोलियां चली अनआइडेंटिफाइड गनमैन की तरफ से। हमदर्दी के तौर पर दो अल्फाज ही सही, उस फैमिली के साथ खड़ा रहा जाता, लेकिन एक तरफ आप फिल्में बनवाते हैं, पंडित को कहते हैं कि बड़ा नुकसान हुआ पंडित महाजनीन का, दूसरी तरफ यहां रहते जब हम नहीं उनका हालचाल पूछेंगे फिर किसको जाने दिया जाएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तजम्मुल इस जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए, हमारे दर्शकों को बताने के लिए। फिलहाल हमारे साथी आपको बताने की कोशिश कर रहे थे कि क्या हालात इस वक्त है और महबूबा मुफ्ती क्या कुछ कहना चाह रही हैं। फिलहाल महबूबा मुफ्ती सवाल खड़े कर रही हैं, और तजम्मुल ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए थे हमारे साथी, लेकिन बढ़ते आगे।